अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा है, मैं 26 साल की हूँ, मैं नॉर्वे की पैदाश हूँ। मेरे अबू 1970 में नॉर्वे में आए थे और तब से वो वहाँ ही सेटल हैं और हम भी उधर ही रहते हैं। हम पाकिस्तान आते जाते हैं, इसीलिए मेरे अबू और मेरी अम्मी ने हमें घर में उर्दू में बात करना सिखाया है। स्कूल में हम सिर्फ नॉर्वेजियन सीखते थे, जाहिर है क्योंकि नॉर्वे में जो रहते हैं, पर घर में हम उर्दू में बात करते थे। इसका हमें ये फ़ायदा है कि जब भी हम पाकिस्तान जाते थे अपने मिलने वालों से, रिश्तेदारों से, हम उर्दू में बात करते थे, तो जाहिर है उनको तो नॉर्वेजियन नहीं आती, तो हमें उर्दू में ही उनके साथ बात करनी पड़ना था। तो इसलिए हमें हमारे अम्मी अबू ने मेरे और मेरे भाइयों को सिखाई है उर्दू। इसका बहुत फ़ायदा है क्योंकि हम जाहिर है पाकिस्तान जाके भी रह सकते हैं, नॉर्वे की भी ज़ुबान हमें आती है, तो दो ज़ुबानें हैं हमारे पास, और इसलिए मैं अपने आप को बहुत फ़ायदा है मुझे इन दोनों ज़ुबानों से। अब मैं नॉर्वेजियन में भी बात करूँगी। हाय, या हेते सिद्रा, या शिसेक्सोर, या स्टूडेरे मेडिसिन, या फट तो उपवक्त ही नहीं है। पापा में हम कम på 1970-tallet, og siden det så har vi bodd i Norge. Jeg begynte å lære norsk når jeg var 6 år, for da gikk jeg på barnehagen, og senere begynte jeg på skole. Jeg lærte kun norsk på skolen, for hjemme så snakket vi på urdu, for mine foreldre ville at vi skulle lære oss urdu også, siden vi dro til Pakistan også i ferier og sånn, slik at vi kan kommunisere oss med familien vår der nede på urdu. Det er veldig gøy å være flerkulturell, fordi du har veldig mye nyttig av det. Du har to kulturer. Jeg har den norske kulturen, jeg har den pakistanske kulturen, og to språk som jeg kan snakke. Og det synes jeg er veldig bra, og jeg har lært veldig mye av det også.